नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हेलमेट न लगाने पर हुई थी भाई की मौत, अब लोगों को बांट रहे हैं हेलमेट। आज पिछोर में समाज सेवी दिनेश खटीक की ओर से लोगों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। समाज सेवी दिनेश खटीक ने बताया कि एक सड़क हादसे में उनके भाई की मौत हो गई थी और भाई हेलमेट नहीं पहने हुआ था। इस घटना के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि एक एक्सीडेंट में उनका भाई तो चला गया, लेकिन अब किसी का बेटा या भाई नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जब अपनी बाइक घर से लेकर निकले तो हेलमेट जरूर पहने। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कई गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइक तो है लेकिन हेलमेट नहीं है। इसके चलते पिछोर में दिनेश खटीक की ओर से करीब 500 हेलमेट लोगों को निःशुल्क वितरण किए गए और दिनेश खटीक की ओर से बताया गया कि उनके द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में करीब 50,000 हेलमेट का वितरण किया जाएगा। देखिए एएसबी न्यूज के लिए दीपक साहू की रिपोर्ट। देखो कि हेलमेट का कारण मेरा भाई एक्सीडेंट से खत्म हो गया था। मैं उस विचार को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ और हेलमेट को वितरण कर रहे हैं। हमने आज से 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करे थे, उनको हम आज बुलाए हमने और उनको हेलमेट बांटे। क्यों बांटे? क्योंकि आज मेरा भाई खत्म हुआ है, कल किसी और का भाई खत्म ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को हम समझा रहे हैं और हेलमेट लगा के गाड़ी को चलाएं, बगैर हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं, दुर्घटना से बचें। इसी को लेकर हम बॉम्बे से एक गाना भी बनवा के लाए हैं, वो गाना बनवा कर लाए हैं और हमारा एक रथ घूम रहा है पूरी विधानसभा में। गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, पिछोर भी जा रहे हैं, डबरा भी जा रहे हैं। गोवा के बाद में हम लोगों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हेलमेट को आज हमने 500 हेलमेट। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।